नमस्कार। सबसे खूबसूरत एहसास में एक एहसास होता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि इसके बाद हम कंफर्म हो जाते हैं कि एक महीने बाद हमारी डिलीवरी हो जानी है। पर ज़रा संभल के, क्योंकि अगर आपका 8वां महीना लग गया है या लगने वाला है, तो इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो जो पहली बात है वो है ट्रैवलिंग से बचना। ऐसे टाइम में आपको किस तरह की ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बस से हो, चाहे वो प्लेन से हो, चाहे वो बाइक से हो, चाहे ट्रेन से हो, ठीक है। दूसरा है एक्सरसाइज नहीं करना। ऐसे टाइम पे 8वां महीना आपका लग रहा है या शुरू हो चुका है, तो आपको एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपके नसों में खिंचाव आ सकता है और कहीं ना कहीं आपको और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा जो मेरा टिप है, ऐसे टाइम पे आपको उठने, बैठने और सोने के पोजिशन में ध्यान देना चाहिए। जब भी आप सोते हैं लेफ़्ट करवट ही लेकर के सोना, क्योंकि लेफ़्ट करवट सोने से बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुँचता है। चौथा जो मेरा टिप है, पेट के बल नहीं लेटना। जी हाँ, अगर आप पेट के बल लेटेंगे तो कहीं ना कहीं पेट में दबाव पड़ सकता है और आपका नॉर्मल पेन शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाए। तो सोने के तरीके में एक चीज़ का और सुधार रखना है कि जब भी आप लेटते हैं लेफ़्ट साइड में, तो आपको दोनों पैरों के बीच में एक तकिया का इस्तेमाल करना है। तकिया उस बीच में रखना, फिर ये सोना है। ऐसे करने से क्या है कि गर्भाशय में ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का रखना है ध्यान। और नेक्स्ट टिप जो मेरा है, झटके से चलना या उठना या बैठना नहीं है। तो आप जब भी चलेंगे छोटे छोटे कदमों से चलेंगे, जब भी उठेंगे तो आराम से उठेंगे और जब भी बैठेंगे तो आराम से बैठेंगे। और अगर आपकी कोई चीज़ गिर जाती है तो डायरेक्टली आपको हाथ से नहीं लेना, चीज़ का रखना ध्यान, ताकि आपको पेट में किसी तरह का दबाव ना हो। चीज़ लेने के लिए आप घुटने का सहारा ले सकती हैं, पहले आप घुटने में बैठें, उसके बाद आप वो सामान ले सकती हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका 9 मंथ का प्रेगनेंसी भी बहुत आराम से निकल जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपके कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। और तब तक बने रहिए इस चैनल पर। आप सभी का बहुत बड़ा नमस्कार।